फ्रेंड्स, इन प्रीवियस वीडियो वी स्टडी अबाउट नाउंस, कॉमन नाउंस, प्रॉपर नाउंस एंड कलेक्टिव नाउंस एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउंस एंड काउंटेबल नाउंस. टुडे अवर टॉपिक इज, अवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन इज नाउन केस. व्हाट इज नाउन केस? तो द केस ऑफ ए नाउन टेल अस अबाउट द पोजिशन ऑफ दैट नाउन इन ए सेंटेंस. कि केस क्या होता है, क्योंकि जो केस होता है वो हमें बताता है कि नाउन की क्या पोजीशन है एक सेंटेंस में, यानी कि वो किस केस में है, कि नाउन किस केस में है. इनके द केस ऑफ ए नाउन के जो केस होता है वो नाउन का, वो हमें ये बताता है कि अबाउट द पोजीशन की क्या स्थिति है, यानी कि क्या पोजीशन है ऑफ दैट नाउन, उस नाउन की इन ए सेंटेंस एक सेंटेंस में. तो देयर आर फाइव नाउन केसेस. इसमें क्या होता है बेटा, फाइव नाउन केसेस होते हैं आपके. फर्स्ट होता है आपका नॉमिनेटिव केस. कि नॉमिनेटिव केस किस में, किसके लिए यूज होता है? तो ये आई एक्सप्लेन यू दैट कि ए नाउन इज सेड टू बी इन ए नॉमिनेटिव केस इफ इट इज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. यदि सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब हो, एंड क्या हुआ कि नाउन इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस. एक जो नाउन है वो नॉमिनेटिव केस में कहलाती है यदि वो सब्जेक्ट हो ऑफ ए वर्ब, एक वर्ब की. जैसे द पर्सन और द थिंग हु, यानी कि जो पर्सन या कोई भी चीज, हु यानी कि जो, किसके लिए, पर्सन के लिए आ रहा है हु, और किसी भी थिंग के लिए आ रहा है विच. जो कैरीज आउट द एक्शन ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस, जो ले जा करती, कैरीज करती है एक्शन को किसी भी ऑफ द वर्ब, वर्ब के इन द सेंटेंस, सेंटेंस के, कि किसी भी वर्ब की जो एक्शन को कैरीज करती है ना, तो वो हमारा नॉमिनेटिव केस में कहलाता है. यानी कि कहने का मतलब है इन ए सिंपल लैंग्वेज कि जब एक सब्जेक्ट कार्य करता है, कि जो एक सब्जेक्ट को शो ऑफ करता है कि एक सब्जेक्ट वर्क कर रहा है, या एक सब्जेक्ट उस सेंटेंस में क्या वर्क कर रहा है, दैट इज कॉल्ड ए नॉमिनेटिव केस. जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, इन ए सेंटेंस ये शो ऑफ किया गया है कि राम कैसा लड़का, एक इंटेलिजेंट बॉय है. तो किसके विषय में बताया गया है, राम के विषय में. तो राम यहाँ पर क्या है, एक नॉमिनेटिव केस में है. ठीक है, तो आप, मैं आपको दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि नाउन, जो एक नाउन सेड कहा जाता है कि नाउन इज सेड टू बी इन ए नॉमिनेटिव केस इफ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. यदि वो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब हो, यानी कि उसमें जैसे राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, राम इज ए हैंडसम बॉय, तो वो सारी चीजें इसके लिए नॉमिनेटिव केस में हमारी आती है. अबे ए नाउन इज सेड टू बी ऑब्जेक्टिव केस. जब एक नाउन ऑब्जेक्टिव केस के लिए कहा जाता है इफ इट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब और इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन. ठीक है, और देखो आपको पता है कि देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इसमें क्या है, ए नाउन इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस, कि उसको ऑब्जेक्टिव केस में कहा जाता है इफ इट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. यदि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो किसी भी वर्ब का, और इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन हो, कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन हो. जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है इज द पर्सन और द थिंग अपॉन होम और अपॉन विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कैरिड आउट. यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिस पे पर्सन डिपेंडेड होता है, यानी कि क्या होता है कि जिस पे होम और अपॉन लिखा है, कि जिसमें कि इज द पर्सन और द थिंग, यानी कि कोई भी जो पर्सन या कोई भी जो थिंग है, होम और अपॉन विद द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कैरिड, यानी कि कोई भी जो कार्य है वो जिस पर किया गया है. जैसे आई मेट योर सिस्टर, मैं तुम्हारी सिस्टर से मिला, किससे मिला, होम किससे मिला या किसको मिला, तो किससे मिला, आई मेट योर सिस्टर. तो ये ऑब्जेक्टिव केस में कहला जाता है. अब जैसे राम था हमारा, ये नॉमिनेटिव केस में था, और ये हमारा आगे हो गया लास्ट में, ये ऑब्जेक्टिव केस में हो गया, दैट इज कॉल्ड ए ऑब्जेक्टिव केस. अब आता है आपका डेटिव केस. तो डेटिव केस देखिए, इसमें ये किसके आता है, ये आपको बताता है कि ए नाउन इज सेड टू बी इन ए डेटिव केस इफ द, इफ इट इज द डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब. ठीक है, ये अब देर मैंने पहले ही बताया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है. जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो वो हमारा क्या, ऑब्जेक्टिव केस में आ जाता है, और डेटिव केस आता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में. ओके, तो जैसे ए नाउन इज सेड, जब एक नाउन को कहा जाए कि वो डेटिव केस में है, तो इफ इट इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, तो वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब कहलाता है. जैसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इज द नाउन फॉर होम और फॉर विच द एक्शन ऑफ द वर्ब इज कैरिड, यानी कि जब वो वर्ब वगैरह इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए किए जाए, वो हमारे डेटिव केस में कहलाते हैं.
इसमें डेटिव केस में क्या, डेटिव केस जो है वो हमें शोज करता है, किस क्या करता है कि डेटिव केस शोज द रिलेशनशिप ऑफ एन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, कि जो डेटिव केस है बेटा वो शोज करता है, यानी कि क्या रिलेशन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का टू ए वर्ब एक वर्ब के लिए, है ना। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है बेटा इज द रेसिपिएंट फॉर ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का भी रेसिपिएंट होता है, तो जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को, जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो रिसीव करता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। जैसे एग्जाम्पल आप देखिए कि द टीचर गेव द स्टूडेंट्स ए फ्यू एक्सरसाइज, अब स्टूडेंट्स क्या हो गया यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ए फ्यू एक्सरसाइज क्या हो गया यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से इसके एग्जाम्पल से शो ऑफ हो रहा है कि टीचर ने दिया स्टूडेंट्स को एक्सरसाइज, तो इसमें क्या हुआ, ये स्टूडेंट्स हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फोर्थ है आपका, ए नाउन इज स्टेट टू बी ए वोकेटिव केस इफ इट इज यूज टू कॉल ए पर्सन और पर्सन, कि ए नाउन इज सेड टू बी ए वोकेटिव केस, वोकेटिव केस उसके लिए किया जाता है कि जब हम किसी भी पर्सन को कॉल करते हैं, है ना, कॉल ए पर्सन और पर्संस। जैसे मिस्टर दास स्टूडेंट्स आर वेटिंग फॉर यू इन द मेन हॉल, जो क्या है मिस्टर दास जो स्टूडेंट्स हैं वेट कर रहे हैं आपका फॉर किसमें, मेन हॉल में। तो इसमें क्या है कि नाउन इज सेड टू बी इन ए वोकेटिव केस इफ इट इज यूज टू कॉल ए पर्सन और पर्संस, यानी कि एक पर्सन को और पर्संस को, बहुत सारे एक व्यक्ति को और दूसरे बहुत सारे व्यक्ति को जब बुलाने के लिए किया जाता है तो वो वोकेटिव केस में, वोकेटिव केस हमारा कहलाता है। ओके, लास्ट इज वन कि नाउन इज सेड टू बी इन ए पजेसिव केस, क्या एक नाउन पजेसिव केस, पजेशन से आपको पता लग गया होगा किस केस में आता है, इट डिनोट्स पजेशन और ऑनरशिप, ये किसी भी चीज का अधिकार शो ऑफ करता है ना, दैट इज कॉल्ड ए पजेसिव केस, ये हमारा क्या कहलाता है पजेसिव केस में। जैसे द पेंसिल, दिस पेंसिल इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, दिस बुक्स इज योर्स, तो दैट इज कॉल्ड पजेसिव केस, ये हमारा पजेसिव केस में कहलाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द नाउन केसेस। लास्ट टॉपिक ऑफ योर लेसन इज नाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, क्या कहलाता है आपका कि नाउन एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन का भी यूज किया जाता है इन आवर सेंटेंसेस। तो देखिए कि प्रीपोजिशन क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन्स एंड अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस, जो प्रीपोजिशंस हैं बेटा वो क्या करती हैं, एक संबंध स्थापित करती हैं किसमें, नाउन में और दूसरे वर्ड्स में, इन ए सेंटेंस एक सेंटेंस में। तो जो एक सेंटेंस होता है उसमें क्या करते हैं, जो प्रीपोजिशन है वो एक रिलेशनशिप का काम करती है, है ना, कि जो प्रीपोजिशन है क्रिएट ए रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन्स एंड अदर वर्ड्स इन ए सेंटेंस। द नाउन्स दैट फॉलो प्रीपोजिशंस आर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, जो नाउन्स हैं जो फॉलो करती हैं प्रीपोजिशन को वो क्या कहलाती है हमारी, आर ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, वो क्या कहलाती है हमारी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे फॉर द स्टूडेंट्स इन द क्लास मैथ वॉज द मोस्ट चैलेंजिंग सब्जेक्ट, अब फॉर द स्टूडेंट्स आगे ना ये नाउन के लिए, अभी इन द क्लास यानी कि ये क्लास से संबंधित बता रहा है कि कौन से क्लास के स्टूडेंट, जो फॉर द स्टूडेंट्स इन द क्लास, इस क्लास के स्टूडेंट्स के लिए जो मैथ है वो चैलेंजिंग सब्जेक्ट है। नेक्स्ट है द कैट ऑन द फेंस वॉन्डर्ड अमंग द हाउस, जो कैट है ऑन द फेंस चार दीवारी में है ना, वो वॉन्डर्ड कर रही है अमंग द हाउसेस, तो द कैट ऑन द फेंस वॉन्डर्ड अमंग द हाउसेस, तो अब जैसे ये ऑन है अमंग, वही सारी हमारी प्रीपोजिशंस कहलाती हैं, तो दैट इज कॉल्ड ए प्रीपोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रीपोजिशन जो क्या होती है वो एक हमारे कनेक्शन स्थापित करती है बिटवीन द नाउन्स एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। ओके, यू डू द एक्सरसाइज, रेस्ट ऑफ एक्सरसाइज इन दिस लेसन, एम एन ओ पी, इसमें देखिए सर्किल द प्रीपोजिशन एंड अंडरलाइन द नाउन्स दैट आर द ऑब्जेक्ट्स इन दिस केस। नेक्स्ट है अंडरलाइन द प्रीपोजिशनल फ्रेज इन द सेंटेंसेस, द नाउन्स और द प्रोनाउन्स दैट फॉलो प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्ट इन द प्रीपोजिशन, सर्किल द प्रीपोजिशन एंड अंडरलाइन द ऑब्जेक्ट्स, इसमें आपकी बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपको कि द नाउन्स और प्रोनाउन्स दैट फॉलो प्रीपोजिशंस और ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन, कि जो फॉलो कर रही है प्रीपोजिशन को और जो ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन है उनको, तो उनमें प्रीपोजिशन को आपको सर्किल करना है और ऑब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है।
नेक्स्ट है आपका मैच द प्रपोजिशन ऑफ द करेक्ट नाउन फ्रेजेस, इसमें आपको मैचअप करना है. ओके, योर सेकेंड लेसन इज कम्प्लीट. ओके, थैंक यू.